अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो इस लाल सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और साथ ही इस बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट सॉल्व करूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सवाल है आपके पास, इफ 1/x इज इक्वल टू 2√28 माइनस 11 फाइंड x। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा था कि देखें, अगर इस तरीके के आपके पास क्वेश्चन हो के कोई वैल्यू आपको दी जा रही हो, दूसरी वैल्यू आपसे जो है वो यहाँ पे फाइंड करने के लिए कहा जाए, तो आप सवाल को इसी तरीके से शुरू करेंगे। सबसे पहले जो चीज आपको गिवन है वो गिवन की हेडिंग लगा के आप लिखेंगे। रिक्वायर्ड में आपके पास आ जाएगा जो वैल्यू आपको यहाँ पे चाहिए। वैल्यू ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं और आप एक्स लिख के इस तरीके से क्वेश्चन मार्क भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब देखें सॉल्यूशन में आप यहाँ पे क्या करेंगे। सबसे पहले जो गिवन आपको वैल्यू है वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपके पास जो है वो गौर से देखिएगा, सवाल में वैल्यू आपको दी हुई है 1/x की। ठीक है, 1/x की आपको जो है वो यहाँ पे वैल्यू दी जा रही है 2√28 माइनस 11। अब आपने देखिए वैल्यू कैलकुलेट करनी है यहाँ पे x की, या वैल्यू फाइंड करनी है आपने यहाँ पर x की। तो गौर से देखिएगा कि आपने यहाँ पे जो है वो कोई भी सॉल्यूशन ज्यादा जो है वो परफॉर्म नहीं करना। ठीक है, सिंपल आपने क्या चीज करनी है कि आपको यहाँ पर x की वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करेंगे, जो दी गई वैल्यू है इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। मीन्स कि अगर ये देखिए 1/x है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, x/1 इज इक्वल टू, और देखें जो वैल्यू है आपके पास something/1, तो ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल होके 1/something। ठीक है, तो इसका जो है वो कोई बहुत बड़ा सा सॉल्यूशन यहाँ पर नहीं था। आपने जस्ट यहाँ पे क्या चीज करनी है कि जो गिवन आपको वैल्यू है आपने उसका जो है वो रेसिप्रोकल कर देना है। 1/x से x/1, और ये जो वैल्यू है इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम 1 को अज्यूम करते हुए डिनोमिनेटर में इसको इस तरीके से देखेंगे कि something/1 क्या हो जाएगा, 1/something। और मजीद आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू 1/2√28 माइनस 11, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, आपने जो जस्ट इसका यहाँ पे रेसिप्रोकल करना था। नेक्स्ट है आपके पास थर्ड पार्ट। ठीक है, यहाँ पर आपके पास जो है थर्ड पार्ट में आपको जो है एक्स की वैल्यू दी हुई है जो कि है 3 - 2√2। यहाँ पे आपको सवाल में बहुत सारी चीजें फाइंड करनी है। ठीक है, काफी सारे पार्ट्स आपको यहाँ पे दिए हैं, जिसमें से फर्स्ट पार्ट है आपके पास x + 1/x, दूसरा है आपके पास x - 1/x, नेक्स्ट है आपके पास x² + 1/x², x² - 1/x² एंड x4 + 1/x4। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 5 पार्ट्स हैं। थोड़ा सा जो है वो सवाल लेंथी हो जाएगा बट बहुत ही इजी है। ठीक है, सबसे पहले आप गिवन की हेडिंग लगा के एक्स की वैल्यू जो यहाँ पे गिवन है आपको वो लिख देंगे। रिक्वायर्ड में आपके पास जो है वो जितनी वैल्यूज आपको रिक्वायर्ड है वो आप इसी तरीके से जो है वो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब आ जाएंगे आप सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में हम हमेशा जैसे जो गिवन वैल्यू होती है सबसे पहले हम वो ले लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा इसी तरीके से टेकिंग x इज इक्वल्स टू 3 - 2√2। ठीक है, सवाल को आप गौर से देखिएगा कि हर एक पार्ट में आपके पास x के साथ जो है वो 1/x, 1/x, 1/x² इस तरीके से जो है वो आपके पास x मौजूद है 1/ करके। ठीक है, इट मीन्स कि आपको सबसे पहले जो है वो यहाँ पे ये चीज कैलकुलेट करनी पड़ेगी 1/x, क्योंकि आपको जो है वो यहाँ पे x की वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो अगर आपके पास x जो है वो ये है तो क्या हो जाएगा 1/x आपके पास क्या हो जाएगा, ठीक है, x की वैल्यू आपके पास जो है वो ये थी, तो 1/x की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, ये देखिए ये आ गया आपके पास 1 और x की वैल्यू आ गई आपके पास ये। इस तरीके से आपने इसको लिखना है। अब आप देख लें कि डिनोमिनेटर में आपके पास जो है वो रेडिकल साइन आ रहा है, तो इसको रिमूव करने के लिए आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द डिनोमिनेटर बाय इट्स कॉन्जुगेट। ये 1 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा दोबारा यही 3 + 2√2 और यहाँ पर जो है वो आप इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ए आपके पास जो है वो 3 है, बी आपके पास 2√2 है, ये हो जाएगा आपके पास 3 - 3 = 9 - 2 - 4। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा। -4 × 2 = 8। ठीक है, तो यहां पर आपके पास जो वैल्यू आएगी 3 + 2√2 ± 9 में से आप 8 को माइनस करेंगे, आपके पास आ जाएगा 1। ठीक है, तो 1/x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 3 + 2√2। 1 को हम जो है वो यहाँ पे निग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा है 1, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3 + 2√2। ठीक है, जैसे ही देखिए आपने यहाँ पे, अब आपके पास देखिए सवाल में जो है वो आपको x की वैल्यू गिवन थी, आपने जो है वो यहाँ पे 1/x की वैल्यू भी फाइंड कर ली। ठीक है, अब जो है वो बेसिक जो सवाल की रिक्वायरमेंट थी, जो यहाँ पे आपको टोटल 5 पार्ट्स दिए हुए थे, अब आप इनको जो है वो 1 by 1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास है x + 1/x। इस तरीके से आप हेडिंग लगाकर भी लिख सकते हैं, टू फाइंड x + 1/x। ठीक है, x + 1/x इस तरीके से हम यहाँ पे लिख देंगे। आप जो भी x की वैल्यू आपको गिवन है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। मैं बुक से देख लेती हूँ, x की वैल्यू है आपके पास 3 - 2√2, बीच में आ जाएगा आपके पास प्लस का साइन, नेक्स्ट है आपके पास 1/x। ये जो आपने यहाँ पे कैलकुलेट की है 1/x की वैल्यू, ये हम यहाँ से ले लेंगे 3 + 2√2। प्लस 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 ये आ जाएगा आपके पास 3 एंड +++2√2। ठीक है, यहाँ पे देखें कौन सी दो टर्म्स एक जैसी हैं, ये वाली साइन इनके जो है वो ऑपोजिट हैं, इसलिए ये आपस में जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होने के बाद +3 एंड +3 आपके पास हो जाएगा 6। तो फर्स्ट पार्ट आपके पास जो है वो कैलकुलेट होके आ गया x + 1/x = 6। ठीक है, ये आपके पास जो है वो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट है आपके पास, तो आप इसके लिए भी हेडिंग लगाएंगे, टू फाइंड x - 1/x। ठीक है, तो यहां आ जाएगा आपके पास x - 1/x। अगेन आपने इसी तरीके से x की जो है वो वैल्यू यहाँ पे रखनी है, जो कि है 3 - 2√2, बीच में आ जाएगा आपके पास माइनस का साइन, और 1/x की वैल्यू है आपके पास 3 + 2√2। ठीक है, फर्स्ट टर्म आप जो है वो एज इट इज नीचे कॉपी कर लेंगे। अब यहाँ पर जो है ये नेगेटिव साइन इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 3 एंड माइनस प्लस माइनस 2√2। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो है वो क्या चीज कैंसिल हो जाएगी, ये देखिए प्लस का 3 एंड माइनस का 3। ठीक है, दोनों सेम टर्म्स हैं आपके पास बट ऑपोजिट साइन के साथ हैं, इसलिए ये कैंसिल हो जाएंगी। ये भी सेम टर्म्स हैं बट इनके साइन जो है वो भी लाइक हैं, सेम हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएंगे 2 and 2 4√2 विद नेगेटिव साइन। ठीक है, तो x माइनस 1/x का जो रिजल्ट आपके पास आएगा वो है माइनस 4√2। नेक्स्ट है आपके पास इसका थर्ड पार्ट जो कि है x² प्लस 1/x²। ठीक है, अब देखिए ये चीज आपके पास कहाँ से आएगी, x² प्लस 1/x²। इसके लिए जो है वो आपको क्या चीज करनी पड़ेगी, देखिए सिंपल x प्लस 1/x या x माइनस 1/x, वो आप दी गई वैल्यूज की मदद से और जो वैल्यू आप निकालेंगे उसकी मदद से जो है वो इजीली आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे कर ली। लेकिन अगर इस तरीके से स्क्वायर या क्यूबिंग आपके पास हो या फोर्थ पावर हो तो इसके लिए आपने क्या चीज करनी होगी कि देखें बीच में आपको प्लस का जो है वो साइन नजर आ रहा होगा यहाँ पे, तो इसके लिए देखें यहाँ पर ये जो हमने वैल्यू कैलकुलेट करी थी x प्लस 1/x की, तो ये हम ले लेंगे। ठीक है, इस वैल्यू को हम लेंगे, इसका स्क्वायर, इसको जो है वो स्क्वायरिंग करेंगे, तब आपके पास जो है वो ये रिजल्ट आप जो है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे टेकिंग x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6। ठीक है, थोड़ी देख ले, देखिए यहाँ से अगर आप इनको जो है वो स्क्वायर्स को हटा देंगे तो ये अगेन आपके पास क्या बन गया, x प्लस 1/x। ठीक है, तो इसलिए आप जो है वो यही वाली टर्म जो है वो यहाँ पे ले लेंगे और उसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा होगा, तो यहाँ पर आप चाहें तो बीच में फॉर्मूले का रेफरेंस भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पर जो है वो डायरेक्ट इसका स्ट्रक्चर बना रही हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। ठीक है, a आपके पास x है और b आपके पास 1/x इज इक्वल टू 6 × 6 = 36। ठीक है, ये x आपस में जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, क्रॉस में है। ये हो जाएगा आपके पास x² प्लस 2 × 2 प्लस 1 × 1 अपॉन x² इज इक्वल टू 36। ठीक है, आपको जो है वो सवाल में ये वैल्यू जो है वो रिक्वायर्ड है, तो आप इसको जो है वो यहाँ पे इस तरीके से लिख लेंगे। या सिंपल आप कह सकते हैं कि जो वेरिएबल वैल्यूज हैं या जो वेरिएबल वाला पार्ट है वो आप एक साइड पे कर लेंगे और कांस्टेंट नंबर जो है वो आप एक साइड पे कर देंगे। यहाँ पर ऑलरेडी 36 मौजूद था। ये प्लस का 2 जब आप राइट हैंड साइड पे लेकर आएंगे तो यहाँ अगर हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, तो जो आपको यहाँ पे बेसिक रिक्वायरमेंट थी वो आप इस तरीके से साथ में लिख देंगे। x² + 1/x² प्लस 2 को आप जो है वो राइट हैंड साइड पे भेज देंगे, वहां जाके ये माइनस का 2 हो जाएगा और रिजल्ट आ जाएगा आपके पास 34। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो है वो फोर्थ पार्ट है आपके पास टू फाइंड x² माइनस 1/x²। ठीक है, अब देखिए यहां पर आप इस चीज को गौर से देखिएगा कि देखिए x² प्लस 1/x² के लिए आपने क्या चीज यहाँ पे ले ली थी, x प्लस 1/x। ठीक है, अगर आप ये वैल्यू भी ले लेते तो भी आप जो है वो इजीली इस चीज को यहाँ पे इस थर्ड पार्ट को जो है वो फाइंड कर सकते थे। ठीक है, इन दोनों में से आप कोई भी वैल्यू ले लेंगे, आप ये तीसरी वैल्यू जो है वो इजीली यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। बट अगर आपके पास x² और 1/x² के बीच में नेगेटिव साइन होगा तब आप जो है वो यहाँ पे क्या चीज करेंगे, ये देखें। उसे कैलकुलेट करने के लिए आपको इन दोनों की जरूरत पड़ेगी, इन दोनों वैल्यूज की। किस तरीके से, ये देखिए लेकिन यहाँ पर मैं एक फॉर्मूले का रेफरेंस दूंगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। ठीक है, यहां पर आप सवाल को गौर से देख सकते हैं। ये देखिए आपके पास टू टर्म्स हैं, ठीक है, इवन पावर है, नेगेटिव साइन है, तो यहां पर ये फॉर्मूला जो है वो एप्लीकेबल होगा इस पर। ठीक है, तो आप चाहें तो इस फॉर्मूले का रेफरेंस यहां पर दे सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² के लिए ये दोनों वैल्यूज जो है वो आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगी या यूज करेंगे आप। ये देखिए आप सिम्स करके यहाँ पे जो है वो ये फॉर्मूले का रेफरेंस दे देंगे। ठीक है, अगर आपके पास ऐसी दो टर्म्स हैं स्क्वायर वाली, बीच में नेगेटिव साइन है, तब आपने जो है वो ये वाला फॉर्मूला यूज करते हुए इसको फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले आप इस तरीके से हेडिंग लगा देंगे। हेडिंग लगाने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूले का रेफरेंस देंगे, सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे रेफरेंस दे देंगे उसके फौरन बाद जो है वो आपने क्या चीज करनी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह जो आपने फाइंड करना है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी की जगह आप लिखेंगे एक्स प्लस 1/x एंड एक्स माइनस 1/x। ठीक है, क्योंकि आपसे जो है वो एक्स और 1/x की जो है वो बात की जा रही है। ठीक है, तो अब देखिए एक्स प्लस 1/x की वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पर 6 एंड एक्स माइनस 1/x की वैल्यू क्या है -4√2। ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए प्लस माइनस 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 का साइन आएगा सबसे पहले, उसके बाद ये क्या हो जाएगा आपके पास 6 × 4 = 24 √2। तो ये आपके पास जो है वो फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट है आपके पास x4 प्लस 1/x4। ठीक है, ये इसका जो है वो लास्ट पार्ट है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास जो है वो फोर्थ पावर के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये देखिए जो प्रीवियस वैल्यू आप यहाँ से उठाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की, यानी कि देखिए सबसे पहले जो है वो आपने यहाँ पे सिंपल जो है वो सिंगल पावर ली x प्लस 1/x। ठीक है, इसका आपने स्क्वायर किया तो आपके पास इस तरीके से स्क्वायर फॉर्म में रिजल्ट आ गया। अब आप जब इस स्क्वायर वाली रिजल्ट को लेंगे और उसका मजीद जो है वो स्क्वायर करेंगे तब आपके पास जो है वो फोर्थ फॉर्म में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो हम ये वाला रिजल्ट यूज करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जी तमाम पार्ट्स जो है वो आपस में इंटरलिंक है। अगर आपने सबसे पहले देखिए ये दो पार्ट्स कैलकुलेट करें तो क्यों करे थे, क्योंकि इनके ही मदद से आप जो है वो सवाल आगे जो है वो सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो देखिए फोर्थ पावर के लिए हमें इस स्क्वायर वाली रिजल्ट की जो है वो जरूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 34। अब आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। यहाँ पर आप जो है वो फॉर्मूला यूज करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए आपके पास एक्स स्क्वायर है एंड बी आपके पास 1/x²। अब देखिए यहाँ पर 34 को जो है वो आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखें ये आपस में जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, x आ जाएगा आपके पास 2×2 = 4 प्लस 2×1 = 2 प्लस 1×1 = 1 / x 2×2 = 4। अब इसी तरीके से देखिए यहाँ पे इस प्लस 2 को जो है वो आप राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करवा देंगे, क्योंकि आपको जो है वो x4 प्लस 1/x4 की वैल्यू जो है वो रिक्वायर्ड है यहाँ पे। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी जो है वो लेंथी हो गई, बट ये कि आई होप आपको जो है वो जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे से आपकी समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको जो है वो वीडियो अच्छी लगे, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।